अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा जो गेट लैम्प होते हैं उसको कैसे रिपेयर करें। ये गेट लैम्प के अंदर एक होल्डर पानी की वजह से जो लाइट है एलईडी वो ख़राब हो गया था और होल्डर है कि पूरा सड़ गया था। तो ये मैंने मार्केट से नया होल्डर लाया हूँ, ये मुझे 30 रुपये का पड़ा है, 30 रुपये का मार्केट में पड़ा है। और जो ये पुराने वाला था ये देखो कितने इसके ख़राब कंडीशन हो चुकी है, ये पानी के वजह से पूरा ख़राब हो गया। तो हम इसके अंदर एक ये नया होल्डर लगाएंगे और दो लाइट लगाएंगे। इसमें दो लाइट है और जो कि एक ये गेट पर इधर के साइड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में लगे हुए। तो दोनों होल्डर के जो मैंने कनेक्शन वो कर लिया हो न्यूट्रल फेस, अब मैं होल्डर के अंदर इसको लगाने वाला हूँ। उसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, होल्डर के अंदर दो वायर फिट कर कसनी होती है, उसमें जॉइंट करना होता है और होल्डर को जो नीचे का लैम है बेस है उसमें फिट करना होता है। अब ये जो नीचे का बेस है इसका उसके अंदर इसको फिट करना होता है नट बोर्ड से, तो ये दो नट बोर्ड में फिट करना पड़ता है। तो मैं इसको फिट करता हूँ। चलो दोस्तों, मेरा होल्डर लग गया है और मैंने इसमें लाइट लगाया और जो उसका ऊपर का एक कवर है अब मैं ऊपर का कवर लगा रहा हूँ। तो इसके दो नट बोल्ट में भी दो का ऊपर का कवर फिट होता है, ये दो नट बोल्ट में फिट हो गया है होल्डर और इसके ऊपर में मैंने ये जो इसका ये है ऊपर का कवर वो फिट करूँगा। तो इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है, आप अपने घर पे भी इसको बहुत आसानी से लगा सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह मैं आपको नए नए चीज़ें सीखने के लिए लाता रहता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। इसका बहुत सिंपल तरीका है, इसको होल्डर ही चेंज करना पड़ा और एक इसका लैम्प का लाइट खराब हुआ है। दोस्तों, ये मेरा लैम्प लग गया है और इसके जो ये तीन नटें दिख रही है उसको अच्छे से कसना होता है, फिट करना होता है। दोस्तों, ये जो लाइट चालू हो रहा है वो कैमरे की वजह से थोड़ा ब्लिंकिंग कर रहा है, बाकी ये पूरा ओके कंडीशन है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।